नमस्कार, स्वागत है आपका भारत समाचार में। मैं हूं आपके साथ मनीष असवाल और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर से। लखनऊ से बड़ी खबर है जहां पर थोड़ी देर में कैबिनेट की एक अहम बैठक होने वाली है। कई अहम प्रस्तावों को मिलेगी मंजूरी, कई अहम प्रस्ताव कैबिनेट में पेश किए जाएंगे। चिकित्सा शिक्षा औद्योगिक विकास को लेकर भी प्रस्ताव पेश किए जाएंगे और भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग को लेकर प्रस्ताव पास होंगे। राज्य संपत्ति विभाग से जुड़े हुए कई प्रस्ताव पेश किए जाएंगे। सोनभद्र के उम्भा के पांच परिवारों को लेकर प्रस्ताव पास किए जाएंगे। जन आरोग्य अभियान में शामिल करने का प्रस्ताव आएगा और सीएम स्वास्थ्य सुरक्षा कोष में संशोधन के संबंध में प्रस्ताव लाएंगे और मेडिकल कॉलेजों में चिकित्सा शिक्षकों के संबंध में प्रस्ताव पेश किया जाएगा। संविदा शिक्षकों में मानदेय के संबंध में भी प्रस्ताव पेश किया जाएगा। मेगा परियोजना की स्थापना को लेकर प्रस्ताव पेश किया जाएगा। विशेष सुविधाओं एवं रियायतों के विषय में भी प्रस्ताव पेश किया जाएगा। इन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और खनिज के अवैध परिवहन को रोकने को लेकर भी प्रस्ताव पेश किया जाएगा। तो एक अहम बैठक होने वाली है। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लखनऊ से बड़ी खबर है जहां पर एक अहम बैठक का आयोजन किया जाएगा। योगी कैबिनेट की एक अहम बैठक आज होने वाली है। कैबिनेट में कई अहम प्रस्तावों पर आज मुहर लगेगी। मेगा परियोजनाएं स्थापित करने को लेकर के प्रस्ताव पेश किया जाएगा। निवेशकों को केस टू केस प्रोत्साहन देने की व्यवस्था है। अभिषेक पांडे हमारे साथ, हमारे संवाददाता लोक भवन से लाइव जुड़ गए हैं। अभिषेक, कौन कौन से ऐसे प्रस्ताव हैं, एक अहम बैठक होने वाली है और इस बैठक में कौन कौन से ऐसे प्रस्ताव हैं जिन पर आज मुहर लग सकती है? देखिए, तकरीबन 10 कैबिनेट के प्रस्ताव आज कैबिनेट के सामने रखे जाने हैं जिन पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में चर्चा होनी है। महत्वपूर्ण प्रस्तावों की अगर बात करें तो मेडिकल एजुकेशन और मेडिकल हेल्थ से जुड़े हुए प्रस्ताव हैं। मेडिकल एजुकेशन में जो राजकीय मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें जो संविदा पे अध्यापक रखे जाते हैं उनका मानदेय बढ़ाए जाने का प्रस्ताव आ सकता है। जबकि मेडिकल हेल्थ में जो जन आरोग्य योजना है सरकार की, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, उसमें लोगों का दायरा बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव आ सकता है। इसके अलावा जो अवैध तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होता है बालू मोरंग या उपखनिजों का, उस पर सरकार लगाम लगाना चाहती है। सीसीटीवी सर्विलांस जैसी व्यवस्था लाई जाए, इससे संबंधित प्रस्ताव आज कैबिनेट के सामने आएगा। इसके अलावा तमाम अलग अलग योजनाएं, निर्माण निगम की योजनाएं हैं जो आज कैबिनेट के सामने अनुमोदन के लिए आनी है। जी अभिषेक, अगर बात की जाए विद्युत कर्मचारियों की तो विद्युत कर्मचारी कल से हड़ताल पर बैठे हुए, क्या लगता है इसको लेकर के भी चर्चा की जा सकती है इस बैठक में? जी नहीं, बिल्कुल, कैबिनेट की बैठक का विषय अलग है और कैबिनेट की बैठक में इस बात का कोई प्रस्ताव नहीं है। हालांकि विद्युत कर्मचारियों की तरफ से मांग की जा रही है कि उनकी जो पीएफ का अंशदान है जो कि डीएचएफएल में इन्वेस्ट किया जा चुका है, सरकार लिखित आश्वासन दे कि वो पैसा वापस आएगा, लेकिन फिलहाल कैबिनेट में ये आज का कोई मुद्दा नहीं है। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक। तो योगी कैबिनेट की एक अहम बैठक आज होने वाली है। निवेशकों को केस टू केस प्रोत्साहन देने की व्यवस्था की जाएगी। और बढ़ेंगे हमारी अगली खबर की तरफ। उन्नाव के शुक्लागंज में मुआवजे की मांग को लेकर के कई दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे किसानों पर पुलिस की लाठीचार्ज और बर्बरता के बाद आज कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल किसानों से मुलाकात करेगा। आराधना मिश्रा, सुहेल अख्तर अंसारी, राकेश सचान, मनोज यादव, विवेकानंद पाठक, सुभाष सिंह उन्नाव जाएंगे। तो एक बड़ी खबर है, इससे पहले आपको बता दें कि सपा का प्रतिनिधिमंडल भी किसानों से मिलने पहुंचा हुआ था और अब कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल किसानों से मिलने के लिए पहुंचेगा उन्नाव। तो एक बड़ी खबर है, उन्नाव रवाना होने वाला है उन्नाव। तो आपको बता दें एक बड़ी खबर जहां पर कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल आज उन्नाव जाएगा। अगर उन्नाव में त्रास गंगा की मांग को लेकर अगर मुआवजे की बात किसान कर रहे थे तो सरकार को उनसे बात करना चाहिए था, लेकिन उनके ऊपर लाठी चलाना, औरतों को पीटना, बच्चों को पीटना, गिरे हुए लोगों को लगातार पुलिस के द्वारा मारना, यह निश्चित अंग्रेजी हुकूमत को याद दिलाता है। ये सरकार जुल्मी है, अत्याचारी है, अन्यायी है, लगातार किसानों की आवाज को दबाने का काम कर रही है।
तो किसानों से मिलेगा कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल, आज रवाना होगा प्रतिनिधिमंडल और किसानों से मुलाकात करेगा। 12 बजे उन्नाव शुक्लागंज पहुंचेंगे कांग्रेसी, और हमारे साथ अजय लल्लू यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजय जी स्वागत है आपका भारत समाचार में। जी धन्यवाद। अजय जी जैसा कि हमने पहले भी देखा था सपा का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा था और अब कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल किसानों से मिलने के लिए पहुंचने वाला है, सवाल यहां पर ये खड़ा होता है कि किसानों से मिलने के बाद आगे का क्या कुछ एक्शन होगा आपका? देखिए हम तो पहले वहां की स्थिति वस्तुस्थिति जानने के लिए श्रीमती आराधना मिश्रा जी के नेतृत्व में हमने एक टीम भेजा है जो वहां जाएगा प्रतिनिधिमंडल और वहां के किसानों से बातचीत करेगा, उनके दुख दर्द को जानेगा, उनकी समस्या को जानेगा। जी जहां तक किसानों से बातचीत इस सरकार को करनी चाहिए थी, उनकी समस्या को सुननी चाहिए थी, उनकी मांग क्या थी उस पर विचार करना चाहिए था जी। लेकिन सरकार ने दमन किया है किसानों जी, बिल्कुल लाठी डंडों से पीटा है। अंग्रेजी हुकूमत को याद दिलाई जी, बार नहीं जी। लल्लू जी यहाँ पर हम जानना चाहेंगे आपसे कि किसानों को मुआवजा मिल सके इसके लिए क्या कुछ सुनिश्चित करेंगे आप लोग? बिल्कुल आज जो प्रतिनिधिमंडल हमारा जाएगा निश्चित रूप से एक व्यापक रिपोर्ट पार्टी कार्यालय को सौंपेगा और हम किसानों की पूरी बात को अपने साथ संबद्ध करते हुए उनकी आवाज को उठाएंगे, सड़क पर भी उतरेंगे और सदन में भी इस मुद्दे को मजबूती के साथ उठाने का काम करेंगे और इस सरकार का चेहरा बनने का काम करेंगे। जी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े हुए थे अजय लल्लू। और बढ़ेंगे हमारी अगली खबर की तरफ। प्रयागराज से एक बड़ी खबर है जहां पर भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। तो एक बड़ी खबर प्रयागराज से जहां पर भीषण सड़क हादसा देखने को मिला है और इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। ट्रक और पिकअप वाहन में भीषण भिड़ंत हुई, हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। 5 लोग घायल हुए हैं, अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गरछना थाना क्षेत्र के भीरपुर की यह पूरी घटना है। प्रशासनिक लोग यहां पर मौजूद हैं। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं प्रयागराज से, एक बड़ी खबर है और हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। और अब खबर हमीरपुर से है जहां पर जमीनी विवाद में महिला की पीट पीट करके हत्या कर दी गई। तो एक बड़ी खबर हमीरपुर से जहां पर एक महिला के साथ बर्बरता की गई, लाठियों से महिला को पीटा गया, लाठी डंडों से पीट पीट करके महिला की हत्या कर दी गई। बेटा गंभीर रूप से घायल है, अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जमीनी विवाद में परिवार के लोगों में संघर्ष देखने को मिला जहां पर एक महिला के साथ बर्बरता की गई, बुरी तरह से महिला को पीटा गया और इतना पीटा गया कि महिला की मौत हो गई। झगड़ा हो गया था, 5 बजे मार पिटाई करी बेटा की और माँ की। रिपोर्ट कर जा रहे थे, रिपोर्ट कर लौट, रिपोर्ट ना भाई भगा दो। सुजी आये सो फिर लौट के आये सो मार के लग गए, सो दोनों उनको मार दिया। तो हमीरपुर से बड़ी खबर है जहां पर एक महिला की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है, लेकिन यहां भी कोई अधिकारी यहां पर मौजूद नहीं है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर जमीनी विवाद के चलते एक महिला की बेरहमी से लाठी डंडों से पीट पीट करके हत्या कर दी गई, साथ ही साथ उसके बेटे को भी पीटा गया। बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया है, अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और अब खबर झांसी से है जहां पर दबंगों ने व्यक्ति की गोली मार करके हत्या कर दी। प्रधान के चाचा की गोली मार करके हत्या की गई है। व्यक्ति की हत्या कर मौके से हत्यारोपी फरार हो गए। मामूली बात पर निर्मम हत्या की गई है। सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के ग्राम भोजला की ये पूरी घटना है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर प्रधान के चाचा की गोली मार करके हत्या कर दी गई, एक मामूली बात को लेकर के हत्या की गई है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं झांसी से, बड़ी खबर है। और इस खबर के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दबंग कितने बेखौफ हो चुके हैं। दबंगों में कानून का कोई डर नहीं रह गया है। जहां पर दबंगों ने व्यक्ति की गोली मार करके हत्या कर दी, और आपको बता दें कि प्रधान के चाचा की गोली मार करके हत्या की गई है और उसके बाद हत्यारोपी मौके से फरार हो गए। और अब खबर गोरखपुर से है जहां पर हत्या के आरोपी को गोली मारी गई है। जमानत पर आए युवक को गोली मार दी गई। पुराने विवाद में पड़ोसियों ने गोली मारी है, पैर पर लगी गोली, भागकर उसने अपनी जान बचाई। हरपुर के बिघी का देर रात का ये पूरा मामला है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर पैरोल पर एक व्यक्ति गया हुआ था जहां पर हत्या के आरोपी को गोली मारी गई है। गोरखपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर जमानत पर आए एक युवक को गोली मारी गई है और पुराने विवाद में
पड़ोसियों ने इस युवक को गोली मारी है। पैर पर गोली लगी है, किसी तरह से भाग करके इस युवक ने अपनी जान बचाई। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गोरखपुर से बड़ी खबर है जहां पर हत्या के आरोपी को गोली मारी गई है। आपको बता दें ये युवक जमानत पर बाहर आया हुआ था और इसे गोली मार दी गई। और अब खबर लखनऊ से है जहां पर पीएफ घोटाले को लेकर के विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। कल से ही कर्मचारी विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एक बार फिर से, लखनऊ में विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। तस्वीरें आप दिखा रहे हैं शक्ति भवन की, ये तस्वीरें हैं जहां पर एक बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। भविष्य निधि के मामले को लेकर के जिस तरीके से कर्मचारियों ने प्रोटेस्ट की घोषणा की थी, 48 घंटे का प्रोटेस्ट, कल का प्रोटेस्ट हुआ पूरा दिन, हजारों की संख्या में कर्मचारियों ने यहाँ पर प्रोटेस्ट किया। आज फिर से दिन की शुरुआत होते ही कर्मचारी लामबंद होकर के शक्ति भवन पहुँच चुके हैं और उनका चूंकि 48 घंटे का प्रोटेस्ट था, आज दूसरा दिन है और इस प्रोटेस्ट के दौरान क्या क्या मांगे हैं, उन किन मांगों पर सहमति बन पाई है, क्या जिस तरीके से कल आप लोगों ने पूरा दिन प्रदर्शन किया, किन्हीं बातों को लेकर के सरकार का कोई नुमाइंदा आपके पास आया, कोई बातचीत हुई, कोई पहल आगे बढ़ी? नहीं, अभी तक तो कोई ऐसा नहीं हुआ है और हम लोगों का कार्य बहिष्कार जो कल 8 बजे से स्टार्ट हुआ था वो अभी जारी है। अगर मांग करें तो क्या क्या बिंदु हैं जिनकी मांग लेकर के आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? पहली और प्रमुख मांग केवल यही है कि जो हमारा पीएफ का पैसा है उसकी गारंटी के लिए सरकार जो एक गजट नोटिफिकेशन जारी करे, गारंटी ले कि अगर भविष्य में कोई ऐसी स्थिति आती है कि का पावर कॉर्पोरेशन उसका भुगतान नहीं कर पा रहा है तो गवर्नमेंट उसका भुगतान करेगी। प्रमुख मांग यही है। और दूसरी ये है कि जो लोग इसके दोषी हैं जिन्होंने ये कृत्य किया है उनको सजा दी जाए, वो कोई भी हो, चाहे छोटा अफसर हो, चाहे बड़ा अफसर हो या एम्प्लॉई हो, सभी को समान नज़रिए से देखा जाना चाहिए। आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से प्रदर्शन जारी है और इनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार से उन्हें लिखित तौर पर ये दिया जाए कि प्रोटेस्ट हम तभी खत्म करेंगे जब हमारी भविष्य निधि का पैसा पूरी तरीके से सुरक्षित हो, उसको लेकर के गजट जारी करें और लिखित तौर पर सुरक्षित भविष्य निधि के पैसे की जिम्मेदारी ली जाए और अगर उनकी पहल नहीं करती है तो आगे के किस तरीके से कदम बढ़ाया जाए। कैमरा पर्सन अरशद के साथ संजय सिंह चौहान, भारत समाचार, लखनऊ। तो चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संजय लाइव जुड़ गए हैं शक्ति भवन से, शक्ति भवन से लाइव जुड़े हुए हैं संजय। संजय, आज प्रदर्शन का दूसरा दिन है, क्या सरकार की तरफ से कोई सकारात्मक आश्वासन दिया गया अभी तक? कहां लगाया जा रहा है? बिल्कुल मनीष, मैं बताऊं कि सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी सकारात्मक पहल नहीं हुई है, ना ही कोई नुमाइंदा इन कर्मचारियों तक आया है। और आपको दिखाऊं कि शक्ति भवन में भारी भीड़ का जुटना शुरू हो चुका है। कर्मचारी पूरी तरीके से 10 बजे से यहां पर आकर के पहले उन्होंने सिग्नेचर किया और उसके बाद प्रोटेस्ट उनका जारी है। 48 घंटे का अल्टीमेटम सरकार को दिया गया था कर्मचारियों की तरफ से और वो कल सुबह 8 बजे पूरा होगा समय, और 8 बजे के बाद तक अगर कोई कर्मचारी से मिलने या किसी प्रकार की सरकार की पहल नहीं की जाती है तो फिर कल बैठक, एक महत्वपूर्ण बैठक करेगी समिति और उसके बाद आगे के फैसले पर विचार करेगी। तमाम कर्मचारी मनीष मेरे साथ हैं, मैं उनसे जानने का प्रयास करता हूँ जिस तरीके से जांच की जा रही है उस जांच से क्या संतुष्ट है आप? नहीं, हम लोग जांच से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। सीबीआई के लिए रिकमेंड किया गया था, अभी तक सीबीआई ने पूरे मामले को हाथ में नहीं लिया, इस बारे में सरकार की तरफ से कोई ट्रांसपेरेंट जवाब दिया ही नहीं गया और हम अभी तक अंधेरे में कि सीबीआई को वास्तव में जांच सौंपी गई है या नहीं और सीबीआई ने उस पर हाँ किया या नहीं। वर्तमान जी सर, ईडब्ल्यू जो जांच करी उसे संतुष्ट नजर आ रहे हैं, जो कार्रवाई हुई उसे संतुष्ट है? जांच अपनी जगह पर है, हमारी जो प्राइम मांग है कि हमारा एक सरकार गारंटी ले ले गजट के माध्यम से और हम संतुष्ट हो जाए कि हमारा जीपीएफ का भुगतान मिलने का। जिस तरीके से सरकार ने कहा है कि अगर किसी प्रकार की शक्ति बढ़ती तोड़फोड़ करी तो इसमें जैसे लगाया जाएगा। विद्युत कर्मचारी तोड़फोड़ कभी नहीं करे, आज तक भी नहीं किया है, बहुत शांतिप्रिय ढंग से हमारा आंदोलन चल रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई गंभीर कार्रवाई नहीं की जा रही। आगे की रणनीति क्या होगी, कैसे जिस तरीके से आज कल पूरा दिन बीत गया कोई नहीं आया, लेकिन अब आज भी बीत जाता है कोई नहीं आता, तब क्या होगा? उसके लिए जो हमारे संघर्ष समिति के समस्त संगठन के पदाधिकारी हैं वो शाम को बैठेंगे, फिर आगे की रणनीति विचार करेंगे आगे हमें क्या करना है। जिस तरीके से प्रोटेस्ट चल रहा है, काम भी कहीं ना कहीं अवरुद्ध हो रहा है, सरकार सख्त है, सरकार बहुत सख्ती से काम कर रही है। देखिए ऐसा है कि जब भगवान को जब समुद्र रास्ता नहीं दे रहा था तो संजय यहाँ पे रोकना चाहूंगा आपको, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दिल्ली से एक बड़ी खबर आपको बताएंगे जहां पर गैर हाजिर सांसदों की रिपोर्ट भेजी गई है, एक बड़ी खबर है जहां पर गैर हाजिर सांसदों की रिपोर्ट भेजी गई है, संसदीय समिति ने ये रिपोर्ट भेजी है, समिति अध्यक्ष
जब अंबिका पाल ने ये रिपोर्ट भेजी है। गैर हाजिर सांसदों को तलब कर सकते हैं स्पीकर, और प्रदूषण पर संसदीय समिति की फिर बैठक होगी। सांसद गौतम गंभीर, हेमा मालिनी की शिकायत की गई। 15 नवंबर की बैठक से ये दोनों सांसद गायब थे। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रदूषण पर संसदीय समिति की एक बार फिर से बैठक हो सकती है। इस बैठक से कई सांसद गायब थे, जिसके बाद ये रिपोर्ट भेजी गई। और वही मेरठ में काटे जा रहे हैं हरे पेड़। एक बड़ी खबर है जहां पर मेरठ में बेरहमी से पेड़ काटे जा रहे हैं, एक बड़ी संख्या में पेड़ काटे जा रहे हैं। डीएफओ के इशारे पर लगातार पेड़ों का कटान होता जा रहा है। हरे पेड़ कटवा करके जेब भर रही है डीएफओ, और रणनीति से बाग काटने की अनुमति दी गई है। माफिया ने रात भर में काटे दर्जनों हरे पेड़। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर एक बड़ी संख्या में पेड़ काटे जा रहे हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हरेंद्र प्रताप फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। हरेंद्र, क्या कुछ तस्वीरों में देखा जा रहा है और किसकी शह पर ये पेड़ काटे जा रहे हैं? जो मेरठ के डीएफओ हैं आदित्य सिंह, उनकी आदेश के बाद ये पेड़ काटे गए हैं। करीब 200 से ज्यादा आम के हरे पेड़ थे और ये शहर के बीचों बीच घनी आबादी वाले इलाके में स्थित हैं। इनकी परमिशन इसलिए नहीं दी जा सकती थी कि इन पेड़ों में कोई कमी नहीं, और दूसरे जो हालात चल रहे हैं, जो एयर इमरजेंसी को लेकर हालात, उसको देखते हुए ये पेड़ काटने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए थी। ये स्ट्रिक्ट जो आदेश है वो सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी की तरफ से भी, उसके बावजूद भी जो डीएफओ है उन्होंने एक साजिश के तहत अपने अधीनस्थों के साथ मिलकर इस माफिया को इस पेड़ को काटने की अनुमति दी और रातों रात बड़ी तादाद में पेड़ जो है वो काटकर ढेर कर दिए गए। तो स्थानीय निवासी है, उन्होंने इसका विरोध किया है और ये वीडियो उन्होंने सोशल मीडिया पर भी शेयर किया है। मुख्यमंत्री से भी इस पूरे मामले की शिकायत की गई है। जी नरेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर के डीएफओ का क्या कुछ कहना है? देखिए, डीएफओ जो है वो दुहाई ये दे रही है कि जो पेड़ है उनमें कोई बीमारी लग गई थी और उसके बाद उन्होंने ये अनुमति दी। आम तौर पर जी कोई भी इस तरह की बल्क में पेड़ काटने की अनुमति दी जाती है तो उसमें यही पिटी लिया जाता है और जो अधीनस्थ है वो इस पर इस तरह की रिपोर्ट फाइल करते हैं जिससे कि उन पेड़ों को काटा जाना चाहिए, ऐसा बोल सकते हैं। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र। और बढ़ेंगे हमारी अगली खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट और सरकार की सख्ती के बाद किसान लगातार पराली जला करके प्रदूषण फैला रहे हैं, जिसके बाद प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। हम आपको तीन तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर मुरादाबाद, दूसरी तस्वीर बागपत और तीसरी तस्वीर बिजनौर से है। आपको बता दें जहां पर प्रशासन ने पराली जलाने पर किसानों पर कार्रवाई की है। तो ये तीन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लगातार सरकार किसानों से कह रही है कि पराली ना जलाए, लेकिन उसके बावजूद किसान एक बड़ी संख्या में पराली जलाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बाद एक बड़ी कार्रवाई की गई है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मुरादाबाद, बागपत और बिजनौर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं किसान लाख बोलने के बावजूद पराली जलाते हुए नजर आ रहे, इसके बाद आज इन पर कार्रवाई की गई। और बढ़ेंगे हमारी अगली खबर की तरफ। मुरादाबाद से बड़ी खबर है, जहां पर प्रदूषण विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। प्रदूषण फैलाने पर फैक्ट्री पर जुर्माना लगाया गया है। 1,62,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। मेटल हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री पर यह जुर्माना लगाया गया है और मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो एक बड़ा एक्शन लिया गया है। 1,62,00,000 रुपयों का जुर्माना लगाया गया है और प्रदूषण फैलाने पर फैक्ट्री पर यह जुर्माना लगाया गया है। प्रदूषण विभाग की एक बड़ी कार्रवाई मुरादाबाद में देखने को मिली। ये मेसर्स मेटल हैंडीक्राफ्ट है, पंडित नगला जी, और यहाँ अवैध रूप से कारोबार हो रहा था और भट्टी चलाई जा रही थी, कपोला फर्नेस थी जी। तो इसके विरुद्ध हम लोगों ने जांच करते हुए सस्ती भेजी थी बोर्ड मुख्यालय, वहाँ से एयर एक्ट में कार्रवाई हुई है, बंदी आदेश आया और इसी के रिगार्डिंग इसको हमको बता रहा और इनके ऊपर 1,62,00,000 का जुर्माना भी लगाया। और बागपत में भी प्रदूषण के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। पराली जलाने पर किसानों पर कार्रवाई की गई है और 11 किसानों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। प्रशासन ने मुकदमा दर्ज करवाया है। किसान परिवारों में इस पूरे मामले को लेकर के हड़कंप मचा हुआ है। चांदीनगर थाना क्षेत्र के निकोली गांव का ये पूरा मामला है, जहां पर किसानों के पर कार्रवाई की गई है। प्रशासन ने मुकदमा दर्ज करवाया है, किसानों पर मुकदमा दर्ज करवाया गया है। अब बिजनौर से बड़ी खबर, किसान धड़ल्ले से जला रहे हैं पराली।
लापरवाही से हवा में जहर घोला जा रहा है, कई भीगे में जलाई जा रही है पराली। सख्ती के बावजूद प्रशासनिक अमला यहां पर मौन बना हुआ है। मंडावली के गंग नहर इलाके का ये पूरा मामला है, जहां पर एक बड़ी संख्या में किसान पराली जलाते हुए नजर आ रहे हैं और लापरवाही से हवा में जहर घोलते जा रहे हैं। बिजनौर से बड़ी खबर, जहां पर किसान धड़ल्ले से पराली जला रहे हैं। तो आपको बता दें कि बड़ी खबर है, जहां पर तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं यहां पर किसान एक बड़ी संख्या में बीघों जमीन में यहां पर पराली जलाते हुए नजर आ रहे हैं और हवा में जहर घोलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद इन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। और अब खबर हापुड़ से है, जहां पर खनन विभाग की एक बहुत बड़ी लापरवाही और अनदेखी से गढ़ तहसील क्षेत्र में खनन माफिया सक्रिय है और खनन माफिया बेखौफ होकर ट्रैक्टर ट्रॉलियों से बालू रेत का खनन कर रहे हैं। वहीं खनन विभाग का काम अब पुलिस कर रही है। पुलिस ने बालू रेत से भरी हुई 3 ट्रॉलियों को कब्जे में लेकर ट्रैक्टर मालिक के खिलाफ उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और पुलिस मुकदमा दर्ज कर फरार खनन माफियाओं की तलाश में जुट गई है। आज सुबह सूचना प्राप्त हुई थी कि एक खिलवाई गांव में कुछ लोग ट्रैक्टर ट्रॉली से रेत ले जा रहे हैं। इसके संबंध में तत्काल पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए ये ट्रॉलियाँ जब्त की हैं जिनमें रेत लदा हुआ है। इसमें थानागढ़ पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। इन ट्रैक्टर ट्रॉली के मालिकों को के बारे में जानकारी दी जा रही है, अभियोग पंजीकृत कर शेष वैधानिक कार्रवाई बहुत शीघ्र कर दी जाएगी। और अब खबर लखनऊ से है, जहां पर गोमती नगर पुलिस से अभद्रता का मामला सामने आया है। प्राइवेट कार से दबिश देने पहुंची थी टीम और पेट्रोल पंप से छात्र हिरासत में लेने पहुंची थी पुलिस और पुलिस को अभद्रता समझकर लोगों ने आतापाई की। स्थानीय पुलिस ने पुलिसकर्मियों को बचाया। एमएटी छात्र को दबिश देकर उठाने गई थी पुलिस और विभूतिखंड थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, बड़ी खबर जहां पर पुलिस के साथ अभद्रता की गई। प्राइवेट कार से दबिश देने पुलिस की टीम पहुंची हुई थी। गोमती नगर से बड़ी खबर है, जहां पर पुलिस के साथ अभद्रता की गई है। और अब खबर सीतापुर से है, जहां पर मिश्रक विकास खंड के सेहड़ा में ग्रामीणों का आरोप है कि प्रधान द्वारा गलत काम किया गया। और मिश्रक से खबर है, जहां पर विकास खंड के सेहड़ा के ग्रामीणों का आरोप है, प्रधान द्वारा आरोप लगाया गया है। प्रधान के ऊपर एक गंभीर कुछ आरोप लगाए हैं और मिश्रक विकासखंड के असुरेहा के ग्रामीणों का ये पूरा मामला है, जहां पर प्रधान द्वारा सूची के नाम आने के बावजूद भी ग्रामीणों को आवास ना देकर उनके नाम कटवा दिए जाते हैं, जबकि गरीब ग्रामीण अपने कच्चे मिट्टी के बने हुए गिरे फिरे हुए घरों में रहने को मजबूर है। वहीं प्रधान अपने मनमाने तरीके से जिसको चाहते हैं उसको आवाज दिलवाते हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन जांच होकर पात्रों को आवाज दिलाने की मांग की है। और अब खबर दिल्ली से है, जहां पर आज फिर बड़े पेट्रोल डीजल के दाम, एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं। दिल्ली से बड़ी खबर, लगातार छठे दिन पेट्रोल महंगा हो गया है। दिल्ली में पेट्रोल 15 पैसे की बढ़ोतरी के साथ इसमें प्राइस बढ़ गए हैं और दिल्ली में डीजल 5 पैसे महंगा हो गया है। दिल्ली में पेट्रोल 74.20 प्रति लीटर पर पहुंच गया है और डीजल 65.84 प्रति लीटर पर बिक रहा है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पेट्रोल और डीजल में आग लग गई है। प्राइसेस एक बार फिर से आसमान छूते हुए गई है प्राइसेस एक बार फिर से आसमान छूते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार छठे दिन पेट्रोल महंगा होता हुआ नजर आ रहा है। तो दिल्ली में पेट्रोल 15 पैसे की बढ़ोतरी के साथ उसका प्राइस बढ़ गया है। बढ़ेंगे हमारी अगली खबर की तरफ, जहां पर राजधानी में चोरी लूटपाट और अपराध पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने निजी सुरक्षा एजेंसियों को भी अपने साथ लाने का प्रयास शुरू कर दिया है। और रिजर्व पुलिस लाइन में पुलिस ने शहर की प्रमुख सिक्योरिटी एजेंसियों के साथ बैठक की और इस बैठक में एडीजी जोन SN साबत, SSP करानी नेथानी, SP नॉर्थ अमित कुमार भी शामिल रहे। बैठक में पुलिस अधिकारियों ने सिक्योरिटी एजेंसियों की समस्याओं पर ध्यान देने के साथ चोरी और लूट की घटनाओं को रोकने में सहयोग की अपील की। लखनऊ में काफ़ी सारे सिक्योरिटी एजेंसीज काम कर रहे हैं, प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज, और उनका आजकल लाइसेंसिंग का प्रोसेस भी है जो पुलिस विभाग द्वारा DGP कार्यालय से भी निर्धारित किया जाता है। उसके साथ साथ उनका कुछ समस्या भी उनका रहा है, उसके साथ ऑपरेशनल नीड्स भी है और पुलिस के साथ किस प्रकार बेहतर समन्वय रहेगा
और मौजूदा स्थिति में वो लोग समाज में सुरक्षा के वातावरण को बेहतर बनाने के लिए क्या योगदान कर सकते हैं और क्या टेक्नोलॉजी का वो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बारे में एक सेंसिटाइजेशन के लिए हम लोगों ने बेहतर समन्वय बनाने के लिए इस मीटिंग किया था। और वहीं अदिति सिंह ने अपनी शादी की खबरों की पुष्टि करते हुए कहा कि ये शादी उनके पिता ने तय की थी। अदिति और अंगद दोनों ही परिवार दशकों से राजनीति में है। जितने समय से कांग्रेस विधायक अदिति सिंह का परिवार राजनीति में है, लगभग उतने ही समय से अंगद सैनी का परिवार भी पंजाब की राजनीति में सक्रिय है। सारी मेरी रायबरेली है, अंगद की जिम्मेदारी नवांशहर है, हम वहाँ के निर्वाचित सदस्य हैं और सच बताएं तो MLA होने से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि मेरा दिल मतलब पूरी तरीके से रायबरेली को समर्पित है और अंगद भी उतना ही ज़्यादा उतना ही ज़्यादा प्रेम अपने काम से और अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से करते हैं, क्योंकि हम ये हमारे बाप दादाओं की वहाँ बनाई, ये उनकी ज़मीन है, उनकी बनाई हुई ये पूरी पूंजी है जो अब हमें संभालना है। और मैं तो कभी रायबरेली को या UP को नहीं छोड़ सकती, ये मेरी जन्मभूमि है, ये मेरी कर्म भूमि है और यही मेरी मरण भूमि होगी। और इसी बीच एक बड़ी खबर ललितपुर से, जहां पर स्कूलों में कंपोजिट ग्राउंड की रकम में घोटाला सामने आया है। परिषदीय स्कूलों में 25 से 1 लाख तक पैसा दिया है। चहेते स्कूलों पर मेहरबान रहे BSA, फर्जी बिल वाउचर और राइटिंग कर किया खेल। बेसिक शिक्षा विभाग ललितपुर ने बड़ा खेल किया है, एक बड़ा घोटाला यहां पर सामने आया है। और अब खबर सुल्तानपुर से है, जहां पर निमंत्रण से लौट रही कार नहर में घुस गई। हादसे में एक युवक की मौत हो गई है, 2 युवक घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पलट गई थी नहर के बीचों बीच में, एक बोलेरो पलटी थी। आए दिन घटना होती है, सरकार इस पे ध्यान में नहीं दे रही है। कभी गाड़ी स्लिप हो गई, ब्रेक मारे लेकिन पुल की वजह से नीचे चले गए। और कई बार ऐसी घटना हो चुकी है यहाँ पे, आदमी भी एक्सपायर हुए हैं। इसका शासन से कई बार अनुरोध किया गया, सांसद यहाँ के जो हैं उनसे भी कहा गया, DM, VI इसके पहले वरुण गांधी थे, वो भी आश्वासन दिए थे कि पुल बन जाएगा, लेकिन आज तक बना नहीं। और ऐसी घटनाएं आम होते रहती, महीने दो महीने में हर बार होते रहती। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, देखते रहिए भारत समाचार। नमस्कार।